हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, वो भी दिवाली स्पेशल, क्योंकि दिवाली आ रहा है ना, तो दिवाली में तो अच्छा लगना बनता है। प्लस मैंने आज एक थोड़ा डिफरेंट किया है मेकअप लुक, मैंने एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे जो दीपिका पादुकोण का जो मेकअप लुक है इस पिक में, मैंने उसी को क्रिएट करने की कोशिश की है, उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके सिमिलर मैंने कर लिया है। आई होप आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा, बिकॉज़ मेरे पास प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे। एंड आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ मेरा बेबी क्यों बैठा हुआ है। एक्चुअली मैं जब मेकअप कर रही थी ये बीच में उठ गया और फिर ये रोने लगा तो अब जाके ये थोड़ा शांत हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब बेबी छोटे होते हैं तो ये सारी चीज़ें होते रहती है। ओके, आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था और उसके बाद लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। इस तरह से डॉट डॉट करके मैंने इसे अप्लाई किया है एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पर अच्छी तरह। एंड इसे ब्लेंड करने के बाद मैं एटलीस्ट 1 मिनट वेट करूँगी और उसके बाद ही बेस अप्लाई करूँगी, यानी कि फाउंडेशन। इस बीच मैं अपने आईब्रोज़ को एक शेप दे रही हूँ ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो और कुछ काम भी हो जाए। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एन आईब्रो पेंसिल मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा था मुझे। एंड उसके बाद मैं सेम मेरे जो आईब्रो पेंसिल है उसमें कोम्ब प्रोवाइड किया हुआ है तो मैं उससे बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर ले रही हूँ। प्रोडक्ट कौन कौन से मैंने यूज़ किए हैं वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैंने लिया है क्रायलॉन का फाउंडेशन एंड मैक का स्ट्रोब क्रीम और दोनों को मिक्स कर रही हूँ और एक लिक्विड कंसिस्टेंसी बना रही हूँ, बिकॉज जो क्रायलॉन का बेस होता है वो काफ़ी क्रीमी होता है एंड एक मैट लुक देता है। और मुझे ये मेकअप ग्लॉसी चाहिए बिकॉज आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण का जो मेकअप है वो काफ़ी ग्लॉसी है, एक ग्लो है, एक शाइन है उसके फेस पर, तो मुझे भी सिमिलर लुक चाहिए था, इसीलिए मैंने इसमें ये मैक का स्ट्रोब क्रीम मिलाया है। ये बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो अब इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे डैब डैब करके अपने फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको बहुत कम ट्यूटोरियल्स में बताया जाएगा कि आप जितना ज़्यादा अपने फाउंडेशन को डैब डैब करके अपने स्किन में ब्लेंड करते हैं उतना ज़्यादा आपके फेस पर एक शाइन आता है और उतना ज़्यादा आपका जो मेकअप है वो नेचुरल लगता है, तो इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब मैं अपने फाउंडेशन को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ कम्पैक्ट पाउडर जो कि मैंने मेबलिन फिटमी का यूज़ किया है। आपके पास जो भी पाउडर है आप उससे अपने बेस को सेट कर सकते हैं एंड देन आई एम टेकिंग द कंसीलर और मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने आईज़ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल मेरे ब्रो लाइन से लेकर पूरे आईलिड तक मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट से अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्रीज पड़ने के चांसेस होते हैं आईज़ के ऊपर। अब मैंने एक बिल्कुल ही स्किन कलर का आई शेडो चूज़ किया था और जिसे कि मैं अपने पूरे ब्रो लाइन से लेकर आईलिड तक अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने एक राउंड ब्रश लिया है जिसका टिप थोड़ा पॉइंटेड होता है और इससे मैंने एक स्किन कलर से अब लिटिल बिट डार्क शेड चूज़ किया है और उसे मैं अपने क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ और एक क्रीज, अच्छा सा क्रीज डिफाइन कर रही हूँ। तो क्रीज लाइन से लेकर मैं आउटर वी पर इसे अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ये जो ब्रश होता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज आप जहाँ पर इसे अपने आई शेडो को अप्लाई करना चाहते हैं ये एग्जैक्टली वहीं पर अप्लाई होता है। बट इसके बाद आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप एक अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है वो थोड़ा फ्लफ़ी होता है तो वो बहुत अच्छे तरह से आई शेडो को ब्लेंड कर देता है एंड वो जो हार्श लाइन्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। इस तरह से मैं फ्लफ़ी ब्रश से अच्छी तरह से अपने आई शेडो को ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं इससे डार्कर शेड, ब्राउनिश शेड चूज़ कर रही हूँ और इसे मैं और अपने क्रीज लाइन को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर रही हूँ एंड आउटर वी को डिफ़ाइन कर रही हूँ। जितना आप स्लोली स्लोली अपने कलर को बिल्डअप करेंगे उतना ही प्यारा लुक आएगा आपके आई मेकअप का, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
तो पेशेंस के साथ आपको मेकअप करना है एंड ये पक्का से रंग लेकर आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अगेन वही अपने राउंड ब्रश से इसे अप्लाई किया है एंड देन फ्लफी ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि मैंने देखा दीपिका पादुकोण ने जो मेकअप किया है उसमें जो ये आउट ऑफ वी है वो उसका काफ़ी शॉर्ट है, तो मैंने भी अपने फिंगर से इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लिया और आउट ऑफ वी को शॉर्ट कर दिया है। अब मैं अगेन कंसीलर ले रही हूँ और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर ऑफ आई से लेकर हाफ से ज़्यादा आईलिड तक अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब अप्लाई करना है एक रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर अपनी आईज़ पर, तो मैं उसके लिए अपने आईज़ को प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि वो ग्लिटर अच्छी तरह से स्टे करे मेरे आईज़ पर। अब मैं लगा रही हूँ वाइट आई शेडो जो कि मैंने अपने यूरोप गर्ल आई शेडो पैलेट से चूज़ किया है, और उसे मैं बिल्कुल अच्छी तरह से अपने कंसीलर वाले एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है सिल्वर कलर का शिमरी आई शेडो और उसे मैं डैप डैप करके अगेन लगा रही हूँ। ये प्रोसेस ज़रूरी था ग्लिटर लगाने से पहले क्योंकि उससे जो ग्लिटर का इफेक्ट होगा वो और अच्छा आएगा। अब मैंने ये ग्लिटर ले लिया है रोज़ गोल्ड कलर का और उसे अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फिंगर से ही अप्लाई करें बिकॉज़ ब्रश से वो बहुत मेसी हो जाता है तो और अच्छी तरह से नहीं लग पाता, बट फिंगर से आप बिल्कुल जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये प्रेस्ड ग्लिटर इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था, ग्लिटर वर्ल्ड नाम था उसका। मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये ग्लिटर्स एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगे, थोड़े से इसके फॉलआउट्स हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो नॉर्मली भी होता है। एंड ये ग्लिटर्स बहुत ही अच्छे चंकी ग्लिटर्स हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये मेरे आईज़ पर। और जब भी आप ग्लिटर अप्लाई करें थोड़ा थोड़ा लें एंड डैब डैब करके उसे अपने आईज़ पर अप्लाई करें। एक बार में ज़्यादा मत लीजिएगा बिकॉज़ वो मैसी हो सकता है और जहाँ आप नहीं चाहेंगे वहाँ भी लग जाएगा। मैंने सेम ग्लिटर्स अपने दूसरे आँखों पर भी अप्लाई कर लिया है और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के बाद मैंने अगेन जो मैंने जिससे मैंने अपने क्रीज लाइन बनाई थी सेम आई शेडो को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण ने काजल नहीं अप्लाई किया हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ आई शेडो ही अप्लाई किया है लोअर लैश लाइन पर एंड मस्कारा लगाया है, तो मैं भी वही करने वाली हूँ। मैं अपने लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मस्कारा मैंने क्लिनिक का लिया था एंड ये बहुत ही अच्छा है, तो ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेम आई शेडो को दोबारा से अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, वो लाइट हो गया था वो थोड़ा, तो मैंने ये कर लिया एंड उसे ब्लेंड भी कर लिया। अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और आईलाइनर जो है वो दीपिका पादुकोण ने काफ़ी अच्छा सा विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है, मोटा सा, तो मैं भी कुछ वैसा ही करूँगी। बट अभी इनिशियली मैं एक पतला सा आईलाइनर लगाऊंगी एंड जब मैं आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी अपने फॉल्स आईलैशेस तो उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा मोटा करूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे आईलिड पर ये ग्लिटर अप्लाई किया हुआ है, बट जो दीपिका पादुकोण ने मेकअप किया है उसमें उसने अपने हाफ आईलिड पर ग्लिटर अप्लाई किया था, तो मैं इसे लास्ट में चेंज कर लूँगी। मैं एक्चुअली आप लोगों को दोनों लुक दिखाना चाह रही थी कि फुल आईलिड पर जब आप लगाते हैं ग्लिटर तो भी कैसा लगता है एंड हाफ पे लगाएंगे तो वो भी आपको दिख ही जाएगा कि कैसा लगता है। अब जो भी ग्लिटर्स के फॉल आउट हुए थे उसे मैं एक ब्रश से रिमूव कर ली हूँ एंड अब मैं अपने इनर कॉर्नर में वो एक सिल्वर कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी एंड कंटूरिंग करूँगी। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने अगेन लिया है वो मेरा कंसीलर पैलेट जिसमें से कि मैंने जो मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइटर शेड है उससे मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। मेरे फेस के जितने भी हाई पॉइंट्स हैं लाइक ब्रिज ऑफ माई नोज़, मेरे चीक बोन्स पे, चिन पर, फोरहेड पर, हर जगह मैं इसे अप्लाई करके एंड देन डैब डैब करके विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैंने लिया है वो ब्राउन शेड जो कि मैंने अपने आईज़ पर भी अप्लाई किया था और उससे मैं अपनी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ
मैं इसमें पाउडर कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्यूरिंग नहीं किया दीपिका पादुकोण ने भी इस लुक में, इसीलिए मैं भी पाउडर से ही कर ले रही हूँ अपनी कॉन्ट्यूरिंग जहाँ जहाँ पे भी मुझे, मैंने अपने नोज़ पे किया है, चीक्स पर किया है। अब मैंने लिया है मैक का स्ट्रोक क्रीम और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स पे अगेन, जहाँ जहाँ पे भी मैंने हाइलाइटिंग की थी उन सारे एरियाज़ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इससे आएगा वो एक शीन, एक ग्लो। अब मैंने ले लिया है अपना रेड कलर का लिपस्टिक, मेरे पास वो रस्टी कलर नहीं था लिपस्टिक में इसीलिए मैंने वो नहीं लिया, अदरवाइज़ उसने वो रस्टी कलर अप्लाई किया हुआ है, बट ये भी मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है ये शेड भी उसके शेड से, इसीलिए मैंने इसे ही अप्लाई कर लिया। अगर आपके पास सिमिलर शेड है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे अपने चीक्स को रोज़ी चीक्स करने हैं, इसीलिए मैंने आई शेडो पैलेट से रेड कलर चूज़ किया है और उससे मैं अपने चीक्स पर ब्लश एज ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, कुछ इस तरह से एक वी शेप में मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए जैसे कि एक टिक मार्क बना रही हूँ। अब मैं लैक्मे का हाइलाइटर ले रही हूँ और उससे मैं अपने ब्रो बोन पर हाइलाइटिंग कर रही हूँ एंड जहाँ जहाँ पर भी मैंने मैक के स्ट्रोक क्रीम अप्लाई की थी उसके ऊपर भी स्लाइटली उसे लगा रही हूँ डैप डैप करके, ताकि थोड़ी सी शीन और आ जाए मेरे फेस पर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया अपने फेस पर हाइलाइटर, मैंने स्लाइट टचअप दिया अपने फेस पर, दोबारा से मैंने वो ब्लशर लगाया और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी फॉल्स आईलैशेस। तो ये देखिए मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर ली है एंड ऑलमोस्ट मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने हेयर डू करूंगी। हेयर बहुत इजीली आपको बस दोनों साइड से लाइट पफ बनाने हैं एंड इट्स डन। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप, जहाँ जहाँ पर भी मेरे एक्स्ट्रा ग्लिटर अप्लाई हुआ था और ज़्यादा शाइन कर रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसे मैं सेलो टेप से हल्के हल्के से निकाल ले रही हूँ। बहुत ईजी वे है ये एक्स्ट्रा ग्लिटर्स को निकालने का, जिससे कि आपका मेकअप भी स्पॉयल नहीं होता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको वो लुक दिखा रही हूँ जो दीपिका पादुकोण ने किया है। मैंने अपने हाफ लाइट आईलिड के ग्लिटर्स निकाल दिए हैं एक विद द हेल्प ऑफ अ वेट वाइप, बहुत इजीली निकल गया ये प्रेस ग्लिटर था। तो इस तरह से मैंने अब मेरे सिर्फ हाफ आईलिड पर ग्लिटर्स हैं एंड बाकी पे मैं जो ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया था उसे मैं एक टचअप दे रही हूँ अपने क्रीज लाइन पर, ये देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। तो अब हो गया है मेरा ये आई मेकअप दीपिका पादुकोण के आई मेकअप से मैचिंग, आप देख सकते हैं। अब मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर अपने फॉल्स लैशेस के ऊपर एंड जो मेरा विंग है आईलाइनर वाला उसे मैं थोड़ा सा मोटा करूँगी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि सेम थिंग इज़ देयर इन दीपिका पादुकोण्स मेकअप टू। तो ये हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। गाइज आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ 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 गाइज लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। एंड गाइज प्लीज़ कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको मैं कैसी लगी इस लुक में एंड अगर आपने वो ट्राई किया है तो मुझे अपने पिक्स भी भेजिए कॉमेंट बॉक्स में। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मेरा बेबी भी खुश हो गया है आप लोगों से बात करके, तो सी इज लाफिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड लक। अरमान से बाय बाय, बाय, लव यू, लव यू।